महानगर समाजवादी पार्टी की बैठक पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम की अध्यक्षता में बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसके संबंध में सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बूथ अध्यक्षों को वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है ऐसे लोगों का महानगर के कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके नामों का डाटा बनाकर वोटर लिस्ट में शामिल कराएंगे। उन्होंने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी तथा पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। इस अवसर पर सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, कीर्ति निधि पांडे, हीरा लाल यादव, अमीरुद्दीन अंसारी, चंद्रभान प्रजापति, राहुल गुप्ता, धर्मराज सिंह, अशोक चौधरी, अनिल यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा लोग अब ये 8 महीना 7 महीना जो भी हो काम बाहरी बेरोजगारी सब खत्म हो। सरकार हर स्तर पर एक एक मसले पर फेल, लेकिन जो लोग कटोरेबाज है हर बात को कहीं ना कहीं कसूबा छोड़ते हैं। आप 2022 हम लोगों का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अखिलेश यादव का हो, आज की बैठक महत्वपूर्ण, गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री आलोक गुप्ता को चुनाव जिताने की रणनीति बनाई जा रही है। दूसरा एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ठीक करा रही है उसमें समाजवादी पार्टी का क्या योगदान होगा और हमारे कार्यकर्ता वोटर लिस्ट बढ़ाने में कितना योगदान कर सकते हैं उसके लिए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं।